बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो है दिलों को दहला देने वाला एक सच्चा वाकया। कबीले का एक ऐसा सरदार जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अगर ईमान ले आऊं तो मुझे डर लगा रहता है कि मेरा एक गुनाह ऐसा भी है जो आपका रब कभी माफ़ नहीं करेगा। नाजरीन, चलते हैं वीडियो की तरफ। हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहायत खूबसूरत थे। तफसीर निगार लिखते हैं कि आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाज़ों के पीछे खड़े होकर यानी छुप कर हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा करती थी, लेकिन उस वक्त आप मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन सरवर कुनैन ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे को देखा कि इतने हसीन नौजवान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, उसे मुसलमान कर दे, इतने हसीन नौजवान को जहन्नम से बचा ले। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि सुबह हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताएं आप क्या अहकाम लेकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद और रिसालत के बारे में हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया। हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊँ लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगा रहता है। एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ दाहिया, बता तूने कैसा गुनाह किया है। तो हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने कबीले का सरबराह हूँ यानी सरदार हूँ, और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर उन्हें जिंदा दफन किया जाता था। मैं क्योंकि कबीले का सरदार हूँ, इसलिए मैंने 70 घरों की बेटियों को जिंदा दफन किया है। आपका रब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। उसी वक्त हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और अल्लाह फरमाता है कि इसे कहें अब तक जो हो गया वो हो गया, इसके बाद ऐसा गुनाह कभी ना करना, हमने मुआफ़ कर दिया दाहिया को। हज़रत दाहिया कल्बी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से यह बात सुनकर रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाहिया अब क्या हुआ है, क्यों रोते हो। हज़रत दाहिया कल्बी कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाहिया बता वो कैसा गुनाह है, बताओ। हज़रत दाहिया कल्बी फरमाने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी हामला थी और मुझे किसी काम की गर्ज़ से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा कि अगर बेटा हुआ तो उसकी परवरिश करना, अगर बेटी हुई तो उसे जिंदा दफन कर देना। दाहिया कल्बी रोते जा रहे हैं और वाकया सुनाते जा रहे हैं। दाहिया कल्बी कहते हैं कि मैं बहुत अरसा बाद घर आया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाजा खोला और पूछा, कौन। मैंने कहा, तुम कौन हो। तो वो बच्ची बोली, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूं,
आप कौन है? दाहिया फरमाने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से निकल गया कि अगर तुम बेटी हो इस घर के मालिक की तो मैं मालिक हूँ इस घर का। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर थी कि छोटी सी इस बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा 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 बाबा, आप कहाँ चले गए थे? बाबा, मैं कितने दिनों से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। हज़रत दाहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोते जा रहे हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने अपनी बेटी को धक्का दिया और जाकर बीवी से पूछा ये बच्ची कौन है। बीवी रोने लग गई और कहने लगी, दाहिया, ये तुम्हारी बेटी है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़रा तरस ना आया। मैंने सोचा मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर अपनी बेटी को दफ़ा ना किया तो लोग कहेंगे हमारी बेटियों को दफन करता रहा और अपनी बेटी से प्यार करता रहा। हज़रत दाहिया की आंखों से अश्क ज़ारो कतार निकलने लगे। दाहिया कहता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बच्ची बहुत खूबसूरत बहुत हसीन थी। मेरा दिल कर रहा था कि उसे सीने से लगा लूँ, फिर सोचता था कहीं लोग बाद में ये बातें ना कहें कि अपनी बेटी की बारी आई तो उसे ज़िंदा दफन क्यों नहीं किया। मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला तो बीवी ने मेरे पाँव पकड़ लिए, कहा, दाहिया, ना मारना उसे। दाहिया, ये तुम्हारी बेटी है, माँ तो आखिर माँ होती है। मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा, मुझे नानी के घर लेकर जा रहे हो? बाबा, क्या मुझे खिलौने लेकर देने जा रहे हो? बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं? दाहिया कल्बी रोते जाते हैं और वाक्या सुनाते जा रहे हैं। कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बच्ची के सवालों का जवाब ही नहीं देता था। वो पूछती जा रही थी, बाबा, किधर चले गए थे आप? कभी मेरा मुंह चूमती थी, कभी बाजू, कभी गर्दन के गिर्द लिपटती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता था। एक मुकाम पर जाकर मैंने उसे बिठा दिया और ख़ुद उसकी कब्र को खोदने लग गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिया की ज़ुबान से वाक़या सुनते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। दाहिया कहता है, मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है तो उठकर मेरे पास आई, अपने गले में जो छोटा सा दुपट्टा था वो उतार कर मेरे चेहरे से रेत साफ करते हुए कहती है, बाबा, धूप में क्यों काम कर रहे हैं? छांव में आ जाए ना। बाबा, ये क्यों खोद रहे हैं जगह? बाबा, गर्मी है, छांव में आ जाए। और साथ साथ मेरा पसीना और मिट्टी साफ करती जा रही थी। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मुझे ज़रा तरस ना आया। आखिर जब कब्र खोद ली तो मेरी बेटी पास आई, मैंने धक्का दे दिया, वो कब्र में गिर गई और मैं ऊपर से रेत डालने लग गया। बच्ची रेत में से रोती हुई अपने छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़कर कहने लगी, बाबा, मैं नहीं लेती खिलौने। बाबा बाबा, मैं नहीं जाती नानी के घर। बाबा, मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो मैं कभी नहीं आती आपके सामने। बाबा, मुझे ऐसे ना मारें। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रेत डालता गया और मुझे उसकी बातें सुनकर भी तरस नहीं आया। मेरी बेटी पर जब मिट्टी मुकम्मल हो गई और उसका सर रह गया तो मेरी बेटी ने मेरी तरफ से तवज्जो ख़त्म की और बोली, ऐ मेरे मालिक, मैंने सुना है तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज्जत देगा।
जो बेटियों की इज्जत बचाएगा। ऐ अल्लाह, वो नबी भेज दे, बेटियां मर रही हैं। फिर मैंने उसे रेत में दफना दिया। हजरत दाहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु वाक्य सुनाते हुए बेइंतहार हुए। ये वाक्या जब बता दिया तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रो रहे हैं कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से गीली हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाहिया जरा फिर से अपने बेटी का वाक्य सुनाओ। उस बेटी का वाक्या जो मुझ मुहम्मद के इंतजार में दुनिया से चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा ये वाकया सुना और इतना रोए कि आपको देखकर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम भी रोने लग गए और कहने लगे, ऐ दाहिया, क्यों रुलाता है हमारे आका को, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दाहिया कल्बी से 3 बार वाकया सुना तो हज़रत दाहिया की रो रो कर कोई हालत ना रही। इतने में हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और अल्लाह फरमाता है कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दाहिया को कह दें कि वो उस वक्त था जब उसने अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना था, अब मुझको और आपको उसने मान लिया है, ईमान ले आया है, तो दाहिया का ये गुनाह भी हमने माफ़ कर दिया है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा जिसने 2 बेटियों की कफालत की, उन्हें बड़ा किया, उनके फ़राइज़ अदा किए, वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत की और साथ वाली उंगली आपस में है। नाजरीन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की उसकी ये अहमियत है, तो जिसने 3 या 4 या 5 बेटियों की परवरिश की उसकी क्या अहमियत होगी। बेटियों की पैदाइश पर घबराया ना करें, उन्हें वालदैन पर बड़ा मान होता है और ये बेटियां अल्लाह की खास रहमत होती हैं। यकीनन अल्लाह की रहमत को धुतकारने वाले कैसे खुद के लिए रहमत जमा कर सकते हैं। नाज़रीन, इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि अल्लाह किसी की ज़िंदगी को आपके ज़रिए बदल दे। जी नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।